बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की ओर से शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव का लोकसभा चुनाव लड़ना अब तय है। बदायूं की विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर के बबराला कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने खुद मंच से ऐलान किया कि वो अपना नाम वापस लेते हैं। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सम्मेलन में आदित्य का नाम घोषित कर दिया है, लेकिन फैसला तो राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है। राष्ट्रीय नेतृत्व के कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है। मंच से उन्होंने कहा, जब चार विधानसभा सम्मेलन में आदित्य का नाम रख दिया है, फिर मैं अपना नाम आपके सामने वापस लेता हूं। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव पहली बार जब कन्नौज से सांसद बने तो सबसे युवा सांसद चुने गए थे। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार तानाशाह है। आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सावधान करते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव में गड़बड़ी कर सकती है। शिवपाल सिंह यादव के ऐलान के बाद अब बदायूं सीट पर आदित्य के नाम की घोषणा भी होगी। इससे पहले समाजवादी पार्टी यूपी की मेरठ और गौतम बुद्ध नगर सीट पर अपने उम्मीदवार बदल चुके हैं। आपको बता दें, शिवपाल यादव मौजूदा समय में सपा के विधायक हैं। वो जसवंत नगर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। सपा ने बदायूं से सांसद रहे धर्मेंद्र यादव को टिकट न देकर शिवपाल यादव को मैदान में उतारा था। बदायूं से धर्मेंद्र यादव दो बार सांसद रह चुके हैं। बदायूं की जगह सपा ने धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से मैदान में उतारा है और अब शिवपाल यादव ने चुनाव नहीं लड़ने का बदायूं से ऐलान कर दिया है और अब माना जा रहा है कि उनके बेटे आदित्य यहां से उम्मीदवार होंगे।